नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। राज्यसभा से पारित हुआ राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को संरक्षण का प्रावधान। पिछले साल दिसंबर में जारी हुए अध्यादेश की लेगा जगह। राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद सहित चार सांसदों को दी गई विदाई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने की सदस्यों के योगदान की सराहना। कहा, जनता के हक में हमेशा आवाज उठाते रहे हैं चारों सांसद। सांसदों के लिए विदाई भाषण में भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, गुलाम नबी आजाद ने दल के साथ साथ हमेशा सदन और देश की भी की चिंता। अनुभवों से देश होता रहेगा लाभान्वित। राज्यसभा से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनाधिकृत विकास के कुछ रूपों की दंडात्मक कार्रवाई में सुरक्षा यानी कि संरक्षण जारी रखने के लिए 2011 के अधिनियम की विधि मान्यता की अवधि जो है वो 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक 30 दिसंबर 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। 1.35 करोड़ पीपल ऑफ दिल्ली, दोज लिविंग इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, दे विल गेट द मलकाना हक। Those living in Jhuggi Jhopri, jahan Jhuggi, wahi makan, is being done. Tenders have now been floated for most of the JJ cluster. But I can tell you, sir, Delhi is not only a historical city, one of the most beautiful cities in the world. I am proud of it. I lived here. I was born here. And this is my city. But Delhi will not only benefit from the improvement in the living condition of the 1.35 crores, but that 20,000 crore Central Vista project will also make Delhi one of the finest capital cities in the world. I am opposed to grant of facilities to people living in worst slums on earth. Well, this is nevertheless, while we support grant of these facilities, that by itself can't be the end. Because there has to be organized approach to providing houses for everybody. दिल्ली के अंदर सर 40 लाख लोग जैसा यहां पर बताया गया अवैध कॉलोनियों में स्लम एरिया में रहते हैं मान्यवर, और उन 40 लाख लोगों को संख्या आप लगभग 1 करोड़ मान सकते हैं, जो 1 करोड़ लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है। मेरा मान्यवर बहुत विनम्रतापूर्वक इस सरकार से सवाल है, ये बार बार एक्सटेंशन कब तक मिलता रहेगा? शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में सार्वजनिक महत्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के नियमन के लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में रोज हमें बहुत सुझाव और शिकायतें दोनों मिलती है, तो गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस बारे में तैयार लगभग हो गए हैं और जल्दी ही उसको लागू करेंगे। पर जो एमवी अनस्तासिया में है वो अभी भी चाइना सी में है, और वहाँ पर उनको वापस लाना मैं मानती हूँ हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने इसको हर मुद्दे पे हर पटल पे उठाया है। और उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान जारी है, बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है, साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है।
घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल पूरा कर रहे 4 सदस्यों को आज विदाई दी गई। इनमें कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, बीजेपी सांसद शमशेर सिंह मनहास, पीडीपी सांसद नजीर अहमद लवाई और मीर मोहम्मद फैयाज शामिल हैं। गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद लवाई का कार्यकाल 15 फरवरी को जबकि मीर मोहम्मद फैयाज और शमशेर सिंह मनहास का कार्यकाल 10 फरवरी को यानी कि कल पूरा हो रहा है। प्रश्नकाल के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने चारों सदस्यों के कार्यकाल पूरा होने के बारे में बताया। उन्होंने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर चारों सांसदों के योगदान की सराहना की और भविष्य में नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। We bid a farewell to the leader of the opposition, Sri Gulam Nabi Azad ji, with a heavy heart. He has been a voice of sanity in the nation's public life for the last few decades, having made significant contribution both in the government and in the opposition. He has served as a member of this august house for as many as 28 years. And one of the veterans of this house. As the chairman, I will be missing the service of Sri Azad ji. Mir Muhammad Fayaz, Sri Shamsher Singh Manhas, and Sri Nazir Ahmed Lawe has also contributed to the deliberation of this house by raising issues of regional and national importance from time to time. As members of various parliamentary committees and also used to take opportunities as and when they are given to contribute to the debates about their respective states. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की सराहना करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की विदाई पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी हुए। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद सत्ता जीवन में आती रहती है लेकिन उसे कैसे पचाना और इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। मेरा ये सौभाग्य था कि मैं माननीय एलओपी साहब के साथ बैठता था। मैं कहना चाहूंगा कि
कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा वो इतिहास का वो अध्याय है जिसे आने वाली पीढ़ियां सबक लेंगी कि किस तरह से गुलाम नबी साहब के आज़ाद के कद तक पहुंचने के लिए किस तरह की साधना से राजनीति में गुजरनी होती है। चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि हर व्यक्ति का 90% जो है वो मानवीय पक्ष होता है, 10% राजनीति का। 10% राजनीति का पक्ष तो हम जानते थे, पर एक ह्यूमन के रूप में किस तरह से आज़ाद साहब हैं वह जो आज हमने जाना वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरित करेगा। राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल पूरा कर रहे सदस्यों की विदाई के मौके पर सदन में सभी दलों के सांसदों ने अपने अनुभव साझा किए। कई सालों से हमारे साथ और सहयोग देने वाले साथी मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह मनहास, नजीर अहमद रवे एंड गुलाम नबी आज़ाद, इन सदस्यों का सदन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। शायद संसद में गुलाम नबी ऐसे एकमात्र सदस्य हो कि जिन्होंने इस देश की गवर्नमेंट की जितनी डिपार्टमेंट, जितनी कमिटीज है, सभी में काम करने का मौका उनको मिला। हमारे चार साथी इस सदन से जा रहे हैं, श्री मोहम्मद फयाज, श्री शमशेर सिंह मनहास, श्री नज़ीर अहमद लबाई और नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाम नबी आज़ाद। ये बड़ा भावुक क्षण है क्योंकि हम वो लम्हे याद कर रहे हैं, वो साल याद कर रहे हैं जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस देश की खिदमत के लिए और जन सेवा के लिए दिए हैं। बहुत लंबा अरसा मुझे हो गया है लगातार मैं देख रहा हूँ आज़ाद साहब को। एक चिंता मुझे ज़रूर है कि इनकी अनुपस्थिति में हम देखते आए हैं कि जब डेडलॉक होता था तो एक ब्रिज का काम हमेशा आज़ाद साहब करते थे। वो एक चिंता का विषय है कि सदन में जब डेडलॉक होगा तो इनका अल्टरनेटिव कौन होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तरफ संकेत किया था। और इस मौके पर राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल पूरा कर रहे सांसदों ने भी अपने अनुभव साझा किए। खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, मेरे नजदीक ये कुर्बानी बहुत छोटी है, दे दो। कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। रिटायर सांसद के जहां राज्यसभा से हो रहा हूं, अपने जीवन से नहीं, जीवन आगे भी चलेगा और हम आगे भी बढ़ेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। ये संसद जो है ये खुशबू है हमारे देश की, ये एक बहुत बड़ी खुशबू है हमारे। इस खुशबू को लेके मैं आज जा रहा हूं जम्मू कश्मीर। अब विदा नहीं हो रही, आपकी यादें हमारे साथ है। मैं जम्मू कश्मीर में संसद की खुशबू लेके जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मस्तान जब तक जिंदा हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तब तक इस कौम की और इस मुल्क की खिदमत करता रहा। अगर कुछ मना हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, वो हमारे स्टेट में जो हमारे लोग बैठे हैं, कोई ब्यूरोक्रेट या उनकी वजह से हुई, यहाँ से हमें कभी किसी चीज़ में मना नहीं किया, उसके लिए मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़ाद साहब के साथ भी यहाँ जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं कभी सोचता था कि मैं आज़ाद साहब को मिलूं सर, लेकिन वहाँ कभी मौका नहीं मिला, यहाँ मैं कम से कम 500 बार मिला, इनका वाक्य सुना। राज्यसभा में YSRCP के सांसद वी विजय साई रेड्डी ने आसन पर आशंका जताने को लेकर आज खेद जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार को दोहराया नहीं जाएगा। इसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि माफी के बाद अब ये मामला खत्म हो गया है। Yesterday episode was because
I was in a state of anguish and therefore wish to take back my words. I sincerely regret my comments made yesterday. They were unintended and made on the spur of anguish. I had become emotional and assure you, sir, I had no intention to hurt the chair or cast aspersions on the chair. I therefore regret once again and I'll assure you, sir, it will not be repeated once again. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.